ओके सो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मुझे गुड मॉर्निंग आप सभी लोग, मुझे जितने दिखाई दे रहे हैं मैं आप सब लोगों को जरा देखूं। पवन है मेरे साथ में क्लास में, अरविंद है, राहुल है, गौरव, सुनेत, संयम, राकेश। ओके तो अभी मुझे जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है वो इतने मेंबर्स की है ना। ये स्ट्रेंथ अभी हमारी काफी कम है। बाकी लोगों को रिक्वेस्ट डाल दी आप सभी लोगों ने क्लास में? हाँ सर, डाल दिया सर अपने ग्रुप में। ओके है ना, तो लेटर ऑन ये सभी ज्वाइन होते चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन सभी चीजों का फायदा उठाएं। संयम जैन, वेयर आर यू, कम टू द स्क्रीन। यस सर। क्लास से रेगुलर क्यों हो रही है बेटा? सर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था सर। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि अपने जो अभी ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स जो सब्जेक्ट आप लोगों के पास है, मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ, स्पेशली मैंने संयम को इसलिए बुलाया क्योंकि हमेशा से क्लास में एक रेगुलरिटी आप लोग सब मेंटेन करते थे और बीच में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो या तो कोई ना कोई जरूरी काम में बिजी होंगे, बहुत ही जरूरी होगा अदर देन द सब्जेक्ट तभी बिजी होंगे। लेकिन कोशिश करिए कि आपने जब क्लासेस का शेड्यूल अपन को मिला है तो इसको बहुत प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस जो है आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि पूरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होता है फाइनल ईयर आप सभी लोगों के लिए। और क्या हम इसी को इग्नोर करने के लिए आ जाते हैं, कई सारी प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं है ना। तो कोशिश ये करो कि प्रायोरिटीज विल बी देयर, उनका इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में, उसे करिए। लेकिन अपना जो सब्जेक्टिव मैटर होता है खास करके इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये मेरे तरफ से एक मैसेज भी है जो कि आप लोगों को एक्सपीरियंस में अभी आज समझ में भले ही ना आए, लेकिन आने वाले 2 साल 4 साल बाद जब आप किसी तरह के कोई अप एंड डाउन फेस करेंगे राइट, तो उस टाइम ड्यूरेशन पर आपको रियलाइजेशन होगा कि यस, हमारे मेंटोर ने, हमारे टीचर ने, हमारे प्रोफेसर ने कोई ऐसी बात हमें कही थी कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे रियलिटी बेस्ड जो लाइफ में हमें स्टेप्स लेने होते हैं या जिन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज, जिस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज होती हैं, उनसे जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट्स हर क्यूरिकुलम के अंदर में सिर्फ फाइनल ईयर में आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम थर्ड ईयर तक जो भी है सो एंड सो कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि फाइनल ईयर तो अब हमारे लिए ईजी हो जाता है, उसको हम बहुत कैजुअल ले लेते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट कि ट्राई टू चेंज दिस पर्टिकुलर माइंडसेट। अगर आपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लिया तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं आपके करंट फाइनल ईयर के, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं है ना। तो आपको सभी को जो है वो फोकस एरिया फाइनल ईयर का बहुत सीरियस रखना चाहिए है ना। ये हम लोग अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फेलियर्स मिलते हैं ना आपको फील्ड में, फेलियर्स कौन है मतलब जिन्होंने अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए या किसी तरह से लैक कर गए, तो उनका सबका अगर आप थोड़ा स्टडी करने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह की मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है उन्होंने अपने जहां पर जिस ईयर में ज्यादा फोकस करना था उस ईयर में फोकस शायद वो किसी कारणवश नहीं कर पाए ना। तो यू ऑल आर लकी कि हम ये अवेयरनेस हमारे स्टूडेंट्स को पहले से देते हैं राइट। और इसको जो भी बच्चा सीरियसली लेता है, उनके मैंने रिजल्ट्स अपने पास्ट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखे हैं कि बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आज वो अपने सर्वाइवल और बहुत अच्छे एक लिविंग लाइफ को स्टैंडर्ड वे में जी रहे हैं और खुशी से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप लोगों के साथ मेरा जुड़ा हुआ है अभी, एंड यू ऑल आर लकी फॉर दिस। एंड मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल आप इसको की पॉइंट बना लीजिए, अगर आप मान लेंगे इतनी सी बात को तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह है कि फायदे की कोई सीमा नहीं हो है ना। इसलिए मैं वो आप अपने जिस एंगल से देखना चाहते हैं लाइफ में अपने आप को, आपको वो टर्निंग देता है ऑपरेशन रिसर्च और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि प्योरली ऑपरेशन मतलब मैनेजमेंट ऑपरेशन बेस्ड सब्जेक्ट है और इंडस्ट्री को हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, मैनेजमेंट ऑपरेशन की होती है, ना कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था या उसका आउटकम आंसर क्या था, ये सब कोई नहीं पूछेगा हमसे। हमसे रियल प्रॉब्लम जो एग्जीक्यूट हो रही है हमारे पर्टिकुलर वर्किंग मॉड्यूल में, उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन अप्रोच के बारे में बात होगी और उसी से रिलेटेड हर एम्प्लॉयज से
हर एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो पर्टिकुलर टास्क कॉम्पिटेटिव फेस में आता है उसे हम कैसे चेस कर रहे हैं और कैसे हम अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, मार्केट को नए मार्केट को क्रिएट करके और कॉम्पिटेटिव मार्केट को क्रैश करके, ठीक है। तो हम हमारी जो एबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, राइट। इसलिए मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि यू ऑल शुड बी रेगुलर। तो कल हम लोगों ने जो प्रॉब्लम समझा था उस प्रॉब्लम में मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ, है ना। तो एक अनबैलेंस के सिचुएशन में इसमें बता दूं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स तो पांचों मेथड सभी बच्चे सीख चुके हैं, यस और नो? हेलो, यस सर, है ना। यस सर, सभी को सारी बातें समझ में आ गई थी और मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ पाए हैं तो मैं आप सब लोगों को उसके इस मॉड्यूल में फिर से आपको एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपको क्लियर करवा दूंगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो डरने और घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जिस तरह से हमने ये देखा था कि जो बैलेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम्स के केस में हमने क्या देखा था कि डिमांड और सप्लाई का जो पार्ट होता है वो पार्ट हमारे लिए डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि हमने डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज अगर हमारी बैलेंस है तो हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड मैंने सामने लिया हुआ हूँ, या फिर इस स्लाइड की जगह पर मैं आपको कल का प्रॉब्लम उठा लेता हूँ, ठीक है। कल जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसी प्रॉब्लम में से एक केस सामने रख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम इस केस को देखें, ये वैम का प्रॉब्लम है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने कल सभी को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया था। तो हमारा फोकस एरिया क्या होता है यहाँ पर कि दो तरह के मेथड्स हमें पता चले थे, एक है बैलेंस्ड प्रॉब्लम और दूसरा है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। गेटिंग मी एवरीवन? यस सर। तो अभी जब बैलेंस्ड बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इट मींस दैट कि आवर रिक्वायरमेंट और कंसीडर्ड एज डिमांड शुड बी इक्वल टू द सप्लाई। यस, डू यू ऑल अंडरस्टैंड द टर्म व्हिच वी हैव लर्न अर्लियर? ओके, अगर हमारे पास में कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी ये जो डिमांड और सप्लाई है ये दोनों चीजें अगर हमारी डिफर कर रही है, फॉर एग्जांपल, ओके, मतलब डिमांड का टोटल आउटकम सम वैल्यू और सप्लाई की सम वैल्यू जो है वो अगर मैच नहीं कर रही है, राइट। जैसे सपोज दैट ये सामने गिवन स्लाइड है आपके सामने, जो इसमें हमारे पास में सप्लाई का टोटल आउटकम कितना है, 10 + 1 + 6 = 17, राइट, ओके, और डिमांड की वैल्यू हमारे पास में कितने लिखी हुई है, 7 + 5 = 12, 12 + 5 = 3, 15, 15 + 2 = 17, 17, 17. यहां तक सभी को क्लियर? जी सर, यस सर, है ना। ओके, अब अगर मान लीजिए सप्लाई की वैल्यू यहां पर 17 की जगह पर अगर 25 आ रही, कोई वैल्यू इसको अपने लिए कंसीडर कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, है ना। ओके, हेलो, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसको एक छोटे से सिंगल स्टेप में मैं आप लोगों को वो मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करने की अप्रोच बता रहा हूँ। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर अप्रोच यू आर एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय द यूजिंग ऑफ दैट अप्रोच, एंड दैट प्रॉब्लम विल बी कम्स इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, एंड सो दैट यू कैन टेक द ऑल प्रोसीजरल स्टेप्स which we are using for the all the five steps, okay, five methods of the transportation problem. So jis bhi methods aap karenge usme aap usko adopt kar sakte hain. Getting? Yes sir. Okay, abhi maine kya kaha aap sabse ki supply ki value suppose hamare paas mein 25 aa rahi hai aur demand ki jo values hain wo total add karne par requirement ki value kitni ho rahi hai, 17 ho rahi hai. 17. To difference kitne ka mila hame? 8 ka. 8 ka. 8 का डिफरेंस मिला, किस में मिला सर? सप्लाई में, सप्लाई में मिला। तो हमारे पास में जो वर्टिकल सप्लाई की जो वैल्यूज दिख रही है उसमें जितना डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को एक एडिशनल रो को ऐड करके, मेरे यहाँ पर पावर ऑफ हो गया है, मैं जिस लोकेशन में हूँ। यस सर, ओके, तो मैं वीडियो को बंद कर लेता हूँ मेरा, है ना। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग एकदम क्लियर रहेगा आपके लिए, राइट, ओके, यस सर, हेलो, है ना। तो मैं, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, फिर पावर अगर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने अपना सिर्फ वीडियो बंद किया है, मेरा ऑडियो ऑन है। चलो, आ गए, पावर आ गया।
तो ध्यान दीजिएगा, है ना, सप्लाई की वैल्यू में हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है 8 का, राइट। उस 8 के डिफरेंस को हमें, 8 के डिफरेंस को हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, जो प्लांट 1, 2, 3 लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं सबको स्क्रीन में? यस सर। उसमें हमें एक फोर्थ नंबर की रो ऐड करना होगा, क्या करना होगा, फोर्थ नंबर की एक रो ऐड करना होगा, कॉलम नहीं, रो ऐड करना होगा। इज दैट क्लियर? एक रो ऐड किया आपने, यहां तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। और उस रो में आपकी इनपुट कॉस्ट वैल्यू जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो 0, 0, 0 होगी चारों में। सपोज 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है हमारे सामने, तो उनकी रो वैल्यूज में आप क्या लिखोगे, 0, 0, 0, 0 चारों सेल में। अप टू दिस पॉइंट एवरीबॉडी शुड बी क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। नाउ अभी जो डिफरेंस हमारा सप्लाई में आया था, राहुल ध्यान देना, हाँ राहुल, आमिर, गौरव, संयम, यस सर, ओके एंड ऑल। सो मेरे सामने स्क्रीन में जितने नाम दिख रहे हैं, मैंने उनके नाम ले लिया, तो पता चलेगा। तो जितना 8 का डिफरेंस हमें मिला, वो 8 का जो डिफरेंस आया बच्चों, वो 8 का डिफरेंस हमने सप्लाई में 6, 1, 10 और उसके नीचे क्या लिख दिया, 8। हेलो, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा सप्लाई के नीचे में? 8 आ जाएगा। ओके राइट, है ना, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। जस्ट अ मिनट, जस्ट, नहीं नहीं यहाँ पर डिमांड की वैल्यू को 20 कंसीडर करिए। कितनी? डिमांड की वैल्यू को 20 कंसीडर करिए और सप्लाई की वैल्यू को